ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आज का वीडियो, जिनके साथ किसी भी तरीके का वीडियो स्कैम हो रहा है या हो चुका है। आपके साथ वीडियो का स्कैम हो जाता है, नीड वीडियो कॉल का स्कैम, जो फेसबुक से शुरू होता है व्हाट्सएप पे ख़त्म होता है। अभी तक क्या होता था कि जो बंदा आपके साथ फेसबुक पर जुड़ता था, फिर एक दिन दोस्ती करता था, दूसरे दिन आपको व्हाट्सएप पर ले जाता था और आपको बोलता था एक फेस टू फेस बात करें, वीडियो कॉल पर बात शुरू होती थी, उसी बीच कहीं ना कहीं वो भी न्यूड हो जाती थी लड़की उस तरफ, आपको वीडियो दिखाया जाता था फर्जी मैं कहूँ, और आपको भी उस वीडियो को दिखाकर न्यूट करवा लिया जाता था और उसकी वीडियो क्लिप बनाई जाती थी और उसके बेस पे आपको फिर डराया धमकाया जाता था पैसा ऐटने के लिए कि आप इतना पैसा दीजिए तो इस वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा। नाउ अभी तक वो लोग आपको डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर आपसे डायरेक्ट पैसे की बात करते थे, बट अब उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अब धीरे धीरे सभी लोग स्मार्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो फ्रॉड है ये इतना मार्केट के अंदर फैल चुका है कि अब हर बंदा ऑलमोस्ट अवेयर होने लगा है कि ये फ्रॉड क्या है और इससे कैसे बचना चाहिए। बट अब उन्होंने क्या कर दिया है कि फ्रॉड करेगा कोई दूसरा बंदा और आपसे पैसे की वसूली करेगा कोई और बंदा, और वसूली करने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि कुछ लोग स्टार्टिंग में उनको डरा देते हैं, धमका देते हैं, लेकिन अंदर से वो लोग खुद डरे हुए रहते हैं कि कहीं कुछ और ना हो जाए। लाइक एग्जांपल के लिए, जैसा कि मेरे को खुद लोग फ़ोन करके बताते हैं कि मेरा वीडियो किसी पॉर्न साइट या किसी एडल्ट साइट पर पोस्ट तो नहीं हो जाएगा, मेरा वीडियो 2 साल बाद दोबारा से कहीं पोस्ट तो नहीं हो जाएगा, मेरा वीडियो उनके पास रखा हुआ है और वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट तो नहीं कर देंगे, मेरा वीडियो यूट्यूब पर तो पोस्ट नहीं हो जाएगा, मेरा वीडियो कहीं फेसबुक पर तो पोस्ट नहीं हो जाएगा, और फाइनली मेरा वीडियो मेरे ही किसी रिलेटिव्स या रिश्तेदार या फ्रेंड सर्किल में फेसबुक पर पोस्ट तो नहीं कर दिया जाएगा उनके पेज पर। इतनी सारी जब मगधमाची वाली चीज़ें आती हैं तो आदमी क्या करता है, अपने उस नंबर को ब्लॉक कर देता है जिस पर ये सब कांड हुआ होता है, व्हाट्सएप वाला नंबर, और केवल इंतज़ार करता रहता है कि पता नहीं कब उसके नाम की घंटी बज जाए फ्रॉड में और वो फंस जाए और वो बदनाम हो जाए। अब शांति से तो आदमी बैठा, लेकिन पूरी तरीके से नहीं बैठा, क्योंकि उसके अंदर तो हलचल चल रही है कि पता नहीं कब क्या कांड हो जाए, 2 साल बाद होगा कि आज होगा, कौन से व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, फेसबुक पे नहीं डाल दिया जाएगा, इतनी सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती हैं। फिर वो क्या करता है, वो मोबाइल पर या लैपटॉप पर या टैब पर एक सहारा लेता है कि सर्च करता है कि न्यूड वीडियो स्कैम से कैसे बचें। जब आप नेट पे सर्च करेंगे तो एक प्लेटफॉर्म आपके सामने खुल के आएगा जिसमें कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया से लिखा होगा कि न्यूड वीडियो स्कैम से कैसे बचें। आप उस पर जब उसको ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको एक नंबर मिलेगा, आप उस नंबर पर जब कॉल करेंगे तो एकदम प्रोफेशनल स्टाइल में आपसे बात की जाएगी, और आपसे बात जो की जाएगी वो ये होगी कि जी हाँ, हम न्यूड वीडियो कॉल का जो स्कैम लोगों के साथ हो रहा है हम उससे लोगों को बचाना चाहते हैं, और हमारी टीम है, हमारा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारा HR, एडमिन और सिक्योरिटी पर्सन्स, साइबर क्राइम से रिलेटेड लोग, पुलिस, हर तरीके से हमारे पास पूरी एक टीम है, तो हम उन लोगों की मदद करते हैं, और ये पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया है जिसमें हम लोगों की मदद करते हैं, और इसमें आपकी आइडेंटिटी को हम हाइड करके रखते हैं सो देट कि आपके घर वालों, रिश्तेदारों या जानकारों तक किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे आपकी। अब आप तो बड़े खुश हो गए, आपने सोचा जी वाह, गवर्नमेंट ने कितना अच्छा काम चालू कर दिया, चलो कम से कम इतनी निजात तो हुई कि अब घर वालों को पता नहीं चलेगा, दोस्तों यारों को पता नहीं चलेगा, पड़ोसियों को पता नहीं चलेगा, और मेरे साथ जो अब ये गलती हो गई है इसका निपटारा हो जाएगा। ऑब्वियसली 110% लोगों के दिल में ये चीज़ की खुशी होगी ही होगी। अब जब आप उनको पूरी अपनी बात बताओगे ना, तो वो धीरे से सरक के कहाँ पे आएंगे कि जी हमारी एक फ़ीस है, और फीस भी उनकी ऐसी छोटी मोटी नहीं होती है, जैसे कि वो फ्रॉडी बन के आपसे जब आपका वीडियो बनाते हैं तो आपसे डिमांड करते हैं इनिशियली कि मुझे 5,001 रुपये दे दीजिए, 2100 रुपये दे दीजिए, या 1500 रुपये दे दीजिए। खैर 1500 और 2000 तो कोई मानता ही नहीं है, वहाँ पर भी सीधी सीधी डिमांड होती है, वहाँ पर कम से कम 3500 रुपये की ऑफिस शुरू होती है, 5000 फिर धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो ये लोग क्या करते हैं
ये लोग सीधी सीधी वीडियो बनाते हैं 20,000 रुपये की। अब आपने बोला नहीं 20,000 रुपये तो बहुत कम, बहुत ज़्यादा है, मैं दे नहीं पाऊँगा, बहुत मोटी रकम है, तो वो धीरे से सड़क के नीचे आते हैं। अब वो एक ना एक पॉइंट पे मोटी रकम पे आपको आके सेट करते हैं, ये 10,000 से 15,000 तक की हो सकती है। बट क्योंकि आपको देखिए वेबसाइट पर ये चीज़ मिली है, आपने उस नंबर पे कॉल किया है, तरीके से वो लोग बंदे बात करते हैं, आपको बहुत प्रॉपरली समझाएंगे, आपको कन्विंस कर देंगे कि हम बिल्कुल गवर्नमेंट के लोग हैं। आप पैसे का इंतज़ाम करोगे और उनको देने की कोशिश भी करोगे। तो मैं बता दूँ कि उसके बाद वो करेंगे क्या कि जब आपसे वो पैसा ले लेंगे, उसके बाद वो आपको बताएंगे कि उनकी जो टीम है वो कंप्लेंट आपकी दर्ज कर दी गई है, जो हमारे साइबर से रिलेटेड लोग हैं उन्होंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया है। और उनके जो स्टेजेस होते हैं वो क्या होते हैं कि जो सबसे पहले वो आपको बताएंगे कि हाँ हमने आपका वीडियो चेक कर लिया है और ये यूट्यूब पर पोस्ट हो रहा है या कल पोस्ट किया गया है, इसको 30% पोस्ट करके रोक दिया गया है हमारी जो नॉलेज में है, और एक व्हाट्सएप ग्रुप पे ये चल रहा है जो इस तरीके के नाम का व्हाट्सएप ग्रुप है, या फिर ये 4 व्हाट्सएप ग्रुप पे चल रहा है, ये इनके नाम है व्हाट्सएप ग्रुप पे, मतलब इस तरीके की आपसे बातें करेंगे कि आपको पूरा घुमा के फेंक देंगे और आपके दिमाग को इतना कमज़ोर कर देंगे कि आप फिर दोबारा से आप वही शुरू हो जाओगे कि सुबह से शाम तक और शाम से रात तक केवल यही सोचोगे कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उस बंदे ने तो बता दिया है कि मेरा वीडियो वहां पड़ा हुआ है, पता नहीं कब वो कहां सर्कुलेट होकर कहां से कहां पहुंच जाए, यूट्यूब पर अपलोड हो रहा है वो पता नहीं कब रिलीज़ हो जाए। तो आप फटाफट उनको पैसा दोगे, पैसा देने के बाद आप उनसे हर उनकी वो बात मानोगे जो वो बात आपसे मनवाना चाहते हैं। वो आपसे ये कहकर पहले 15,000 रुपये ले लेंगे कि आपका वीडियो वहाँ पे यूट्यूब पर अपलोड हो रहा है और वो हो सकता है एक दो दिन के अंदर पोस्ट हो जाए। जब आपसे वो 15,000 रुपये ले चुके होंगे फिर वो आपसे कहेंगे कि देखिए ये वीडियो हमने वहाँ से तो डिलीट कर दिया, लेकिन जिस पर्सन ने इस वीडियो को बनाया था उस पर्सन के मोबाइल पर ये आज भी है और हम उसको अपने IT के द्वारा उसके मोबाइल से भी डिलीट करवा देंगे, लेकिन क्योंकि उसके मोबाइल से डिलीट करना थोड़ा सा मुश्किल है इसके लिए आपको एक फ़ीस हमें और देनी पड़ेगी जो लगभग 10,000 से 15,000 रुपये की होगी। अब देखिए नौटंकी चालू हो गई, पहले 10,000 रुपये 15,000 रुपये खाली है, फिर दोबारा से प्लानिंग है। अब आपसे वो फिर पैसे लेगा, अब आप एक बार तो दे चुके हो, अब आप सोचोगे कि यार जब उस बंदे ने इतनी मेरी हेल्प करी, 10,000 पहले ले लिए या 15,000 पहले लिए, मेरा यूट्यूब से हटवा दिया या व्हाट्सएप से हटवा दिया, अब एक जगह बचा है कि पर्टिकुलर उस मोबाइल से जहाँ से वीडियो बनाया गया था, आप सोचो कि इन बंदों की कितनी अच्छी पहुँच है, उस मोबाइल तक पहुँच गए जिस मोबाइल से बनाया हुआ था, आप उनको फिर से 10,000 रुपये दे दोगे। जब वो 10,000 रुपये आपसे और ले लेंगे या 15,000 रुपये और ले लेंगे उसके बाद फिर आप उनको नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि वो नंबर चेंज हो चुका होगा वेबसाइट पर भी और नंबर ही नहीं लगेगा। अब आपसे मोटी रकम 30,000 लेने के बाद आज भी आपका कोई माई बाप इस दुनिया में नहीं होगा कि अब आपको करना क्या है, और जो आपको पहले बता के गया था कि ये करके वो आपका मैटर ख़त्म करवा देगा वो अब बंदा है कहाँ। तो बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, कभी भी आपके साथ केस हो गया है तो शांति से घर में बैठिए, मैंने बार बार बोला है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, कुछ भी नहीं होगा, कोई वीडियो आपका कहीं सर्कुलेट नहीं होगा। अगर आपने ज़्यादा हाथ पैर मारे, ज़्यादा इंटेलिजेंट आपने बनने की कोशिश की तो आप फिर दोबारा से इसी तरीके के फ्रॉड में मारे जाओगे। कोई आपका भला करने वाला इस केस में है नहीं, आपको कंप्लेंट जरूर आप cybercrime.gov.in की साइट पे जाके कर दो, मैंने अपना एक पिछला वीडियो भी बनाया हुआ है, ये उसका थंबनेल है, आप यहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ पे जाकर आप अपनी कंप्लेंट को खुद ही cybercrime.gov.in पर कंप्लेंट कर सकते हैं। और आपको अगर मुझसे कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए ये मेरा वीडियो है, इसका थंबनेल बन है, आप यहाँ पर जाकर मेरा मोबाइल नंबर ले सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल भी करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, तो मैं आपको जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका मैं आपको आंसर दूंगा। बट किसी भी तरीके की मैटर में ऐसे फंसी मत जहाँ पर जानबूझ के आप अपना पैर अपने कहीं गड्ढे में रखें खुद फंसने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार।